दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों पूरी दुनिया की तरह भारत भी एक अभूतपूर्व महामारी, एक ऐसी महामारी जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, यहां तक कि डॉक्टर विशेषज्ञों को भी इस वायरस के बारे में COVID-19 बहुत कम मालूम है, जांच पड़ताल चल रही है। ऐसे महामारी को निपटने में सरकार, जनता, समाज सबका बेहतरीन तालमेल और सहयोग जरूरी है। दोस्तों इस सहयोग के ही बल पर हम इसको लड़ सकते हैं, इसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, जो रणनीति हमने अख्तियार की है, क्या वो कारगर है। हम विशेषज्ञ नहीं है, आप में से हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बगैर जाने भी कह देते हैं। लेकिन सर मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा मानना है कि जो दुनिया भर में इस महामारी के बारे में जो ठोस तथ्य आए हैं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनकी बातों को जरूर मद्देनजर रख के ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। दुनिया में दो तरह का पैटर्न दिखाई देता है इस महामारी से निपटने का। एक पैटर्न वो है जो अमेरिका, इटली और कुछ अन्य देशों ने, स्पेन आदि ने अपनाया है, और दूसरा एक पैटर्न दिखाई देता है जो चीन ने, दक्षिण कोरिया या ताइवान में अपनाया है। चीन में शुरुआती जो गलतियां की गई, क्योंकि वहां पर संक्रमण का विस्फोट सबसे पहले हुआ, बिल्कुल अनजाना रहस्यमय और कुछ भी पता नहीं था, तो गफलत में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। हो सकता है कि मीडिया के एक फ्री न होने की वजह से, एक फ्री मीडिया का जो कंसेप्ट है, सूचनाओं का आदान प्रदान, उसकी वजह से भी गलतियां हुई हो कि लोगों तक सही बात ना पहुंची हो, और जब तक सही बात पहुंची तब तक काफी मर गए थे लोग। लेकिन उसके बाद चीन ने जिस तरह से काउंटर किया, जिस तरह का उन्होंने पूरा का पूरा तंत्र खड़ा किया, यहां तक कि 10-1 दिन में उन्होंने 1000 से अधिक लोगों का अस्पताल खड़ा कर दिया, अधिक बेड वाले अस्पताल जिसमें कई आईसीयू थे, और इसके अलावा उन्होंने घरों में भी ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उनका जो फोकस था वो टेस्टिंग पर था, आइसोलेशन पर था, और लॉकआउट का जो उन्होंने प्रबंध किया, जो उन्होंने ऐलान किया, वो जो लॉकडाउन का जो उन्होंने प्रबंध किया, उस लॉकडाउन में उन्होंने वुहान को केवल लिया जो शहर है, और इसके अलावा उस प्रांत को लिया हुबे प्रांत जहां पर ये वुहान शहर अवस्थित है, लेकिन इसके आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया। ठीक उसी तरह से दक्षिण कोरिया ने जो लॉकडाउन की स्थिति है उसका जो आजमाया, उसको उन्होंने केवल मोहल्लों में, कुछ एक हल्कों में जहां पर ये ज्यादा पहले संक्रमण हुआ था वहां उन्होंने किया, ताकि लोगों में आवाजाही बंद की जाए। ताइवान ने भी इसी तरह का प्रयोग किया। आप कह सकते हैं कि ताइवान, दक्षिण कोरिया छोटे देश हैं, लेकिन चीन तो बहुत बड़ा देश है। उन्होंने दूसरे हल्कों में इसको पहुंचने ही नहीं दिया, और केवल लॉकडाउन के बल पर नहीं, और दूसरी बात कि उन्होंने देश भर में लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने केवल उस इलाके को घेराबंदी एक तरह से कर ली, आवाजाही बंद कर ली, और वो भी अब खुलने जा रहा है। इसी 8 अप्रैल को वुहान भी खोल दिया जाएगा, जबकि जो उनका प्रांत है हुबे प्रांत, वो ऑलरेडी वहां के लोगों को यात्रा की परमिशन दे दी गई है। दोस्तों उन्होंने लॉकडाउन के अलावा जो सबसे अधिक काम किया वो स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट। याद रखें, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट, यही लगभग मॉडल दक्षिण कोरिया ने अपनाया, लॉकडाउन को अगर माइनस कर दिया जाए तो। ये जो कहानी है लॉकडाउन की, उस पर जो हमारे देश में 24 तारीख की मध्यरात्रि 12 बजे से जो लागू किया गया है, इसको लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, विशेषज्ञों की जो बात है उसकी रोशनी में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देश का एक बहुत मशहूर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल CMS वेलूर, उसके जो प्रिंसिपल थे JP मुलियल साहब, ये इसी तरह के संक्रमण वाले रोगों के विशेषज्ञ हैं और ऑल इन देश के बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। इनका मैंने एक लेख पढ़ा एक बहुत प्रतिष्ठित वेबसाइट पर,
वो भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह के जो लॉकडाउन है उनकी जो उनके जो फायदे हैं वो हैं अपनी जगह, लेकिन घाटे भी भारत जैसे मुल्क में कम नहीं है। एक लॉकडाउन की व्यवस्था उन समाजों में ज्यादा प्रभावी लाभदायी हो सकती है जो संगठित सुव्यवस्थित, जहां सिस्टम है, जहां डिलीवरी भी इस तरह से की जा सके, यानी डिलीवरी सिस्टम जहां बेहतर है कि लोगों के घरों के दरवाजे तक वो पहुंच जाए। लेकिन हमारे यहां तो इतना बड़ा देश है दोस्तों, और व्यवस्थित भी नहीं है। हमारे यहां बहुत सारी स्थितियां इतनी खराब हैं कि लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। लोग जब पहुंचते हैं अस्पतालों में तो दवा भी ठीक से नहीं हो पाती है। हम अपने हेल्थ केयर पर मात्र 1.2% के आसपास खर्च करते हैं अपने बजट का, और जो हमारे यहां जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से लेकर देश के जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहां भी लोगों को जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं, जरूरी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव जो सिस्टम होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स लिख रहे हैं सरकार को, अब थोड़ा बहुत शायद 15,000 करोड़ का एक पैकेज आया है तो शायद कुछ लोगों को बेहतर मौका मिले, बेहतर इक्विपमेंट्स मिले, लेकिन 15,000 करोड़ भी इस महादेश के लिए इतना नाकाफी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सिर्फ 20,000 करोड़ तो केरला जैसे छोटे स्टेट ने खर्च करने का ऐलान किया है, देने का ऐलान किया है। और दूसरी बात कि 15,000 करोड़ का जो पैकेज ऐलान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। आम लोगों की इस लॉकडाउन में क्या स्थिति होने जा रही है? देखिए, लॉकडाउन में आपने चीजों को बंद कर दिया, लोगों की आवाजाही बंद कर दिया, लेकिन डिलीवरी नहीं है लोगों तक। लोगों के पास दूध और पैकेट और तमाम चीजों के लिए फिर बाजार जाना है, क्योंकि बाजार में ये जो जरूरी सुविधाओं वाली चीजें हैं वो खुली हैं, दुकानें, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं और कई जगहों पर ऐसी दुकानें खोली गई हैं जहां जरूरी चीजें उपलब्ध हों। वहां पर कल रात जिस तरह का हाल था, 8 बजे से लेकर के और 1 बजे 12 बजे तक लोग कई जगह अफरा तफरी मची हुई थी, दुकानें तक खोल दिया था दूर दराज के इलाकों में, कई जगह तो हुड़दंग मची। तो ये जो हालात हैं इससे क्या आप इस रोग के संक्रमण को रोक पाएंगे? अगर लोग सुबह दूध के लिए, ब्रेड के लिए, तमाम चीजों के लिए उतरते हैं तो जाहिर है संक्रमण रोकने का सिर्फ लॉकडाउन से जो आपका एक मकसद है वो नहीं पूरा होने वाला है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए कि इटली ने जो गलतियां की, जो अमेरिका अब गलती करता नजर आ रहा है, वैसी गलतियों से भारत बचे। हम लॉकडाउन जरूर करें जिन इलाकों की जरूरत है, जहां बहुत ज्यादा और किया गया है और उसका स्वागत किया है पूरे देश ने, लेकिन जिन इलाकों में, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि उड़ीसा, जहां सबसे कम केसेज हैं, जहां और पूर्वोत्तर के इलाके, ये गैर जरूरी है, बहुत सारे इलाकों में कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि किन किन राज्यों में कहां छोड़ा गया है, कहां नहीं, क्या कोई एक्सेप्शन है, कहीं कोई निगोशिएशन आपस में केंद्र और राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने से जो लॉकडाउन के हिस्से हैं वहां पर आपने एक पेशेंट अगर है या एक कोई इफेक्टेड आदमी निकल गया जिसको इन्फेक्शन है तो पूरे परिवार में वो फैल जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा हेल्थ केयर का, एक आदमी जो इन्फेक्टेड है अगर सूचना जाती है तो उसको भी अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है, या इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है कि लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको सामने लाया जाए या उनको भर्ती किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि टेस्टिंग नहीं है। अब मैं टेस्टिंग के बारे में बिल्कुल अपनी बात कहकर खत्म करता हूं आज की बात, कि देखिए अपने देश में कुल मिलाकर अब तक जो 24 मार्च सुबह 10 बजे का आंकड़ा मेरे पास है, जो टेस्टिंग हुई है इस महादेश में वो हुई है 19,974, और जबकि दक्षिण कोरिया जो 5 करोड़ की आबादी का देश है, हम तो 130 करोड़ से ऊपर हो गए हैं, 5 करोड़ की आबादी वाला जो दक्षिण कोरिया है प्रतिदिन 20,000 टेस्टिंग करता है, और 600 स्थायी जो उसके केंद्र हैं उनके अलावा बहुत सारे टेस्टिंग के मोबाइल सेंटर्स घूम रहे हैं पूरे दक्षिण कोरिया के तमाम इलाकों में। तो मेरा यह कहना है कि हमारी सरकार को, हमारा इस देश की जनता का
समर्थन है, पूरी तरह समर्थन है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए, कैसे इस महामारी से बचा जाए। लेकिन आप गरीबों के बारे में आपने सोचा नहीं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में उनका क्या होगा। लोग, ये मध्य वर्ग का देश नहीं है, ये अमेरिका देश नहीं है, विकसित मुल्क नहीं है, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा और स्पेन और हॉलैंड की तरह। हमारे यहां एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, मजदूर जो काम करते हैं। हमारे यहां लोगों को पाखाना के लिए बाहर जाना पड़ता है कई जगहों पर, अभी थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय हैं वहां भी लाइनें लगती हैं। इस मुल्क में हम जिस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, वो शहरों के लोगों को, अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को तो समझ में ये बात आ सकती है, लेकिन आम गरीबों तक ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे उनका लालन पालन होगा, भरण पोषण होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं समझता हूं कि देश के जो विशेषज्ञ हैं, अभी हमने देखा कि जिस तरह वेलूर की मैंने बात की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो बड़ा अस्पताल है, सर सुंदरलाल अस्पताल, उसके जो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओम शंकर, उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने भी अपनी बात यही कही है कि स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल कई उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो खाली करा दिए गए हैं, वार्ड, जनरल वार्ड खाली करा दिए गए हैं और कोरोना के लिए, लेकिन जनरल वार्ड में जो भर्ती थे वो तो बेमौत मर जाएंगे, उनकी दवा दारू का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों, जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी राय ली जानी चाहिए, और बहुत सारे जो बड़े डॉक्टर देश के हैं, जो टेलीविजन चैनलों पर आते हैं, न जाने किन कारणों से इस समय कई बार ऐसा लगता है कि वो संकोच में बहुत सारी जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत को, भारत की सरकार को, भारत के योजनाकारों को इस वक्त दुनिया के अन्य देशों से सबक लेना चाहिए, जहां कामयाबी मिली है और जहां कमजोरियां दिखी हैं, जहां विफलताएं दिखी हैं शुरुआती दौर में, दोनों से सबक लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आपको शुभकामनाएं। किसी तरह कोशिश करें कि इस महामारी से बचें और स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, क्योंकि हमारे देश में जो स्वास्थ्य की संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सब जानते हैं बहुत बुरी है। तो आप अपने को बचाइए। नमस्कार।